अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई साहिर रहमानी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई वीवो की तरफ से गुड न्यूज निकल कर आ रही है। वीवो बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट में अपनी एक नई फ्लैगशिप सीरीज को लॉन्च करने जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों वीवो की एक्स सीरीज की, जिसको ग्लोबली तौर पर तो बहुत पहले लॉन्च किया जा चुका है, लेकिन इसको अब पाकिस्तानी मार्केट में अनाउंस कर दिया गया है। बहुत जल्द आपको ये पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेगी। यहाँ पर बेसिकली आपको दो स्मार्टफोन मिलने वाले हैं, यानी X60 और X60 Pro। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं X60 Pro यानी कि अपर वेरिएंट के बारे में, इस मोबाइल फोन की कंफर्म स्पेसिफिकेशंस, साथ में इस मोबाइल फोन की प्राइस क्या हो सकती है। तो वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन शैतान आपको इस नेक काम से जरूर रोकेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इस मोबाइल फोन की बिल्ड क्वालिटी से। तो मोबाइल फोन फ्लैगशिप सीरीज का बिल्ड क्वालिटी भी आपको यहाँ पर गिलास की देखने को मिलेगी, जबकि मोबाइल फोन का जो फ्रेम है वो एलुमिनियम का होने वाला है। अभी जहां तक बात इस मोबाइल फोन के डिजाइन की है, तो डिजाइन यहाँ पर तकरीबन सेम टू सेम आपको वीवो V20 वाला ही देखने को मिलेगा। हालांकि वीवो V20 की पाकिस्तानी मार्केट में 5,000 प्राइस डाउन हो चुकी है, अगर आपको नहीं पता। अब इसकी प्राइस डाउन करने की एक रीजन ये भी मैंने आपको बताई थी कि वीवो अपनी एक सीरीज को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च करने वाला है, और अब ये वही सीरीज है दोस्तों जिसका मैंने आपको जिक्र लास्ट की वीडियो में किया था। तो अभी स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी से तो आप 100% सेटिस्फाई होंगे, लेकिन डिजाइन में यहां पर कोई थोड़ी बहुत चेंजिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि ये डिजाइन हमें V20 में मिल चुका है। अब बात कर लेते हैं हम इस मोबाइल फोन की कैमरा सेटअप की, क्योंकि इस मोबाइल फोन का कैमरा सेटअप इस मोबाइल फोन का हाईलाइट फीचर है। तो मोबाइल फोन के बैक पर आपको 48 MP के मेन सेंसर के साथ क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है। अब यहां पर देखने वाली बात यह है दोस्तों, यहां पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप दूसरे ब्रांड्स की तरह ब्राय नाम नहीं मिल रहा है, यहां पर आपको रियल में क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी आपको पता चल जाता है। 48 MP का मेन सेंसर है F1.6 अपर्चर के साथ। अगर आपको वीवो V20 का पता है, जिसकी कैमरा परफॉर्मेंस पाकिस्तानी मार्केट में काफी ज्यादा पसंद की गई है, इवन के मैं ये वीडियो इस वक्त वीवो V20 से शूट कर रहा हूं, यहां पर हमें F1.9 का अपर्चर मिलता है, लेकिन इस स्मार्टफोन में आपको 1.6 का अपर्चर मिलेगा। इतना ज्यादा अपर्चर कम होने का साफ सा मतलब है दोस्तों, इस मोबाइल फोन की लो लाइटिंग कंडीशन में कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। लेकिन अगर हम देखें इस मोबाइल फोन के बाकी के लेंस की तरफ, तो यहां पर आपको रियल में क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है, क्योंकि यहां पर आपको 8 MP का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, 13 MP का आपको यहाँ पर पोर्ट्रेट लेंस मिलने वाला है, जबकि 13 MP का ही आपको यहाँ पर अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिल रहा है। तो भाई कैमरा इस मोबाइल फोन का बहुत जबरदस्त होने वाला है। अगर आप इसको लो लाइटिंग कंडीशन में यूज करते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में यूज करते हैं, तो भाई इस मोबाइल फोन की कैमरा परफॉर्मेंस आपको यकीनन पसंद आने वाली है। और वैसे भी वीवो की कैमरा परफॉर्मेंस पाकिस्तान में काफी ज्यादा पसंद की जाती है। थोड़े इस मोबाइल फोन के कैमरा फीचर्स की बात करें, तो आपको यहाँ पर 4K का ऑप्शन मिलने वाला है, EIS OIS, फेस डिटेक्शन, स्लो मोड, नाइट मोड, तकरीबन सभी वो फीचर्स आपको इस मोबाइल फोन के कैमरा सेटअप में मिल जाएंगे, जो कि आप इस सीरीज के किसी भी स्मार्टफोन से एक्सपेक्ट करते हैं। जबकि मोबाइल फोन के फ्रंट की बात करें, तो फ्रंट पर आपको पंच होल की शक्ल में 32 MP का सेल्फी शूटर मिलने वाला है। तो यकीनन मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा परफॉर्मेंस भी मोबाइल फोन की बैक कैमरा परफॉर्मेंस की तरह बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो अगर आप एक कैमरा लवर्स हैं और अगर आपको जस्ट कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, तो डेफिनेटली आप लोगों को इस मोबाइल फोन का वेट करना चाहिए। अब आगे बात आ जाती है दोस्तों इस मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस की, क्योंकि कैमरा फीचर्स ही किसी मोबाइल फोन के लिए सब कुछ नहीं होते हैं। तो आपको यहां पर Exynos 1080 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि जस्ट 5 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। अब यहां पर दोस्तों Samsung का चिपसेट यूज किया जा रहा है, लेकिन चिपसेट बहुत ही तगड़ा चिपसेट है, 5 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। तो इस मोबाइल फोन की बैटरी लाइफ भी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। और अगर आप इस स्मार्टफोन पर गेमिंग वगैरह करते हैं, तो आप इस पर पबजी बआसानी खेल पाएंगे। ना सिर्फ बआसानी, बल्कि आपको यहाँ पर ग्राफिक्स भी अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। तो आपने इस मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस को लेकर कोई भी डाउट नहीं रखना है। अब बात आ जाती है दोस्तों इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले की, क्योंकि किसी भी मोबाइल फोन का डिस्प्ले उस मोबाइल फोन की लुक को और ज्यादा ब्यूटीफुल बना देता है। तो आपको यहाँ पर 6.5 इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा 1080 की पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसके साथ आपको यहाँ पर 90Hz का शेड भी मिल जाएगा और HDR10 की सपोर्ट भी है। इसके साथ साथ इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा। और यकीन करें दोस्तों, इस मोबाइल फोन की इन डिस्प्ले परफॉर्मेंस Samsung के किसी भी स्मार्टफोन से अच्छी खासी तेज होने वाली है, क्योंकि रिसेंटली जो Samsung की सीरीज आई है दोस्तों, गैलेक्सी A32, A52 और A72, तकरीबन सभी स्मार्टफोन में आपको 1 सेकंड का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर में डिले देखने को मिल रहा है। लेकिन वीवो के
इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर काफी ज्यादा फास्ट होते हैं। मैं वीवो V20 यूज कर रहा हूँ, जस्ट थंब टच करने की देर है और मोबाइल फोन अनलॉक हो जाता है। अब बात आ जाती है दोस्तों इस मोबाइल फोन की बैटरी सिचुएशन की। तो भाई यहाँ पर आपको 4200 mAh की थोड़ी सी छोटी बैटरी देखने को मिलेगी, लेकिन इस मोबाइल फोन में आपको 33 W की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगी। लेकिन ये 33 W की फास्ट चार्जिंग अभी थोड़ी सी कंफर्म नहीं है दोस्तों, हो सकता है पाकिस्तानी मार्केट में 55 W की फास्ट चार्जिंग मुतारिब करवाई जाए, जो कि ग्लोबली तौर पर अगर हम देखें तो वहां पर 3 स्मार्टफोन आए हैं, Vivo X60, Vivo X60 Pro और Vivo X60 Pro Plus। लेकिन इन अगर पाकिस्तानी मार्केट में देखें तो तकरीबन सभी ब्रांड्स यहां पर जस्ट 2 स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम Redmi Note 10 सीरीज की तरफ देखें तो यहां पर भी अभी तक 2 स्मार्टफोन आए हैं। तो अगर यहां पर भी Vivo इस सीरीज के जस्ट 2 स्मार्टफोन लॉन्च करता है तो हो सकता है जो अपर वेरिएंट हो वहां पर हमें 55 W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाए। लेकिन 33 W की फास्ट चार्जिंग भी इस मोबाइल फोन की बैटरी को देखते हुए वो इतनी ज्यादा कम नहीं है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको इस मोबाइल फोन की फास्ट चार्जिंग से मिल जाएगी। अब मोबाइल फोन में आपको बैटरी थोड़ी सी छोटी मिल रही है तो जाहिर सी बात है इस मोबाइल फोन का वेट भी थोड़ा सा कम ही देखने को मिलेगा। तो ये मोबाइल फोन आपको जस्ट 178 g का देखने को मिलेगा, यानी काफी ज्यादा लाइट वेट होने वाला है। एक तो मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस आपको जबरदस्त मिल रही है, मोबाइल फोन में आपको डिस्प्ले अच्छा मिल रहा है, मोबाइल फोन की कैमरा परफॉर्मेंस एकदम झक्कास होने वाली है और इसके साथ साथ मोबाइल आपको लाइट वेट मिलने वाला है। तो भाई ये स्मार्टफोन अपने प्राइस पैकेट को काफी अच्छे से जस्टिफाई करता है दोस्तों, अगर ये अग्रेसिव प्राइस पर आ जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मोबाइल फोन की प्राइस की। तो अभी तक इस मोबाइल फोन की जो एक्सपेक्टेड प्राइस निकल कर आ रही है दोस्तों वो 70,000 to 80,000 होने वाली है। तो अगर ये स्मार्टफोन इसी प्राइस पैकेट में या फिर 2-3 हज़ार अगर और कम में आ जाता है तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट को काफी अच्छे से कैप्चर करेगा। अब आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा और आप इस मोबाइल फोन की प्राइस को लेकर क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतने ही दोस्तों, और जैसे ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा कोशिश करेंगे कहीं से जुगाड़ करके आप लोगों के लिए इसकी अनबॉक्सिंग भी लेकर जरूर आएंगे। खैर दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ज्यादा बोर नहीं करता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।